बोलने वाली गुफा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, परंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक लोमड़ी थी। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आई। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वो समझ गया कि उसकी गुफा में एक शेर छिपा बैठा है। चतुर लोमड़ी ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के अंदर नहीं गई, उसने वहीं से आवाज़ लगाई। ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आती हूँ, तुम मुझे बुलाती हो। आज क्यों नहीं बुला रही? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा हो सकता है कि गुफा रोज़ लोमड़ी को आवाज़ देकर बुलाती हो। आज ये मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज़ देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज़ लगाई और कहा, आ जाओ। आवाज़ सुनते ही लोमड़ी समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह लोमड़ी ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुश्किल के समय में समझदारी से काम लेना चाहिए।